इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह इंदौर के नजदीक तेज रफ्तार ट्रेन ने ट्रैक पर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मारी और धमाके के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर आरपीएफ और रेलवे की टीम पहुंची और कार्रवाई की। हालांकि घटना के दौरान कोई जनहानि होने की सूचना नहीं है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर और पालिया रेलवे स्टेशन के बीच आज सुबह एक सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली से इंदौर की ओर आते समय ट्रैक पर खड़ी कार से टकरा गई। मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि इंदौर दिल्ली चलने वाली ट्राई वीकली सुपरफास्ट गाड़ी इंदौर की ओर दौड़ रही थी, तभी ट्रैक पर खड़ी कार से टकरा गई। घटना होते ही मौके पर जोरदार धमाका हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए। रेलवे अधिकारी की माने तो हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, वहीं ट्रेन में भी किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं कार चालक पर रेलवे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कार चालक अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था। कार ट्रैक पर बंद होने के बाद ट्रेन आने के कारण कार चालक ने अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि सुपरफास्ट ट्रेन ट्रैक से नहीं उतरी और कार में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। देखिए आज क्या है कि जो लक्ष्मीबाई नगर और पालिया के बीच में जो ट्रेन नई दिल्ली इंदौर ट्राइवीकली ट्रेन है उससे एक मोटर जो कार है वो स्टक कर गई। तो इस वजह से क्या है कि वो तकरीबन आधे घंटे ट्रेन लेट रही, इसके बाद में पूरा ट्रैक क्लियर कराने के बाद में फिर ट्रेन इंदौर पहुंची। तो इस तरह से ये जो घटना है ये किसी अनजाने की वजह से ट्रैक पे गाड़ी को छोड़ के चला गया या फिर पता नहीं किस तरह से ये वाकया हुआ, उसको आरपीएफ ने पूरा केस इस पे जांच चल रही है और उस पर केस दर्ज करने के लिए पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। सर कोई जनहानि भी हुई है? देखिए कोई कैजुअल्टी नहीं है क्योंकि जैसे ही उस पर खाली थी क्योंकि वो उस पर ट्रैक पे छोड़ के और लोग चले गए थे, इसकी वजह से कोई जान माल की हानि नहीं। सर ट्रेन की स्पीड लगभग कितनी थी? देखिए उसमें क्या है कि ट्रेन एक नॉर्मल स्पीड पे वहाँ पे चलती है, तो इस तरह से अगर अचानक कोई इस तरह का वो आता है तो एक नॉर्मल स्पीड पे ही ट्रेन जाती है, तो वो फिर उसको जो मोटर कार को एकदम हटा दिया।